इधर पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर जानबूझकर राजनीतिक हत्याएं करने का आरोप लगाया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी रविकांत राय ने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि राज्य के जो अधिकार होते हैं उसमें जानबूझकर केंद्र दखलंदाजी कर रहा है। केंद्र ने तो अभी दखलंदाजी की नहीं है और ममता जी राज्य केंद्र सरकार को मानती भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि जिस प्रकार वो वहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर गुंडागिरी करवा रही है अपने कार्यकर्ताओं से, मुझे नहीं लगता कि वो इस लायक भी है कि वहाँ पर उन्हें बैठना चाहिए। और पूरी भूमिका ममता जी की बहुत ही नकारात्मक है, सामंतवादी है, अहंकार है उनको, और विपक्ष को कुचलने के लिए वो अपने कार्यकर्ता को निर्देश दे रही है। सर, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, जो रक्त चरित्र है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य की जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में वो नाकाम रही हैं? देखिए, नौकरशाही का पूरा राजनीतिकरण हो गया है। वहाँ पर नौकरशाही खड़ी रहती है, गुंडे वहाँ पर गुंडाई करते हैं, तो ऐसे ऐसी नौकरशाही, इतनी पंगु नौकरशाही, इतनी मतलब गुलाम नौकरशाही मैंने कहीं पर भी नहीं देखी, जो गुंडों को गुंडाई करने देती है और वहाँ पर खड़ी रहती है, और ये सब ममता जी के निर्देश पर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जिस प्रकार की अराजकता फैली उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। जिस तरीके से आप लोग काला दिवस मना रहे हैं, जो राज्यपाल हैं आज दिल्ली में हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, गृहमंत्री से मिलने का समय मांगा गया, आपको लगता है कि जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कितने दिन मानते हैं कि इस तरीके का जो तानाशाही रवैया है और चलने वाला है, क्योंकि 18 सीटें आप लोग जीत कर वहाँ से आए हैं? देखिए, अब इसके बारे में तो कोई भविष्यवाणी मैं कर नहीं सकता हूँ कि हाँ, अगर अराजकता नहीं रुकी तो हमें भी कोई कदम उठाना पड़ेगा। हम हिंसा का मुकाबला हिंसा से नहीं करना चाहते, मगर प्रजातांत्रिक तरीके से उसका विरोध करेंगे, और हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर कर रहे हैं और अपना बलिदान भी दे रहे हैं। गवर्नर रूल की मांग करेंगे अगर हिंसा नहीं थमती है तो? अभी जल्दबाजी होगी, पर हाँ, अगर इसी प्रकार अराजकता बढ़ती रही तो इसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। चलिए, अगर हिंसा नहीं थमती है तो पश्चिम बंगाल में गवर्नर रूल लगाने की मांग भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन दिल्ली।